नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर की सीरीज, जिसका पर्पज है कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड थ्योरी एग्जाम की तैयारी करवाना। आज का लेक्चर है डाइमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर, जिसमें मैं बताने वाला हूँ किसी यूनिट का डाइमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं और किस यूनिट का क्या डाइमेंशनल फॉर्मूला होता है, क्योंकि डाइमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर पिछले कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वीडियो को पूरा देखें। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डाइमेंशनल फॉर्मूला, डाइमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर कई बार डाइमेंशनल इक्वेशन भी लिखकर आता है, या फिर कई बार डायरेक्ट डायमेंशन भी लिखकर आ जाता है। तो इस तरह तीन तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब समझते हैं हम कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या शो कराता है। तो याद रखें, जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके बीच के रिलेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला के द्वारा दर्शाया जाता है। अब नेक्स्ट बात हमें याद रखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूले के अंदर किन यूनिट का मैकेनिज्म होता है। तो मैं लिखकर बता रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। तो पहली यूनिट होती है इसके अंदर हमारी लेंथ, याद रखना लेंथ। लेंथ का जो सिंबल हम शो कराते हैं उसको हम किससे शो कराते हैं, कैपिटल एल से। तो हमें याद रखना पहली क्या यूनिट होती है, लेंथ। दूसरी होती है मास, क्या होती है, दूसरी डायमेंशन कौन सी होती है, मास। इसको हम शो कराते हैं कैपिटल एम से। और तीसरी होती है टाइम। ये तीनों जो डायमेंशन है इसको हमें याद रखना, इसका इसको किससे शो कराते हैं, एस से। तो हमें याद रखना है क्या, लेंथ, मास और टाइम। याद रखें जितने भी हमारी यूनिट्स होती हैं उनको हमें किस में बदलना है, लेंथ मतलब इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर, और मास की जो भी यूनिट होगी उसको हमें किस में बदलना है, किलोग्राम में, और टाइम की यूनिट को हमें हमेशा किस में लेना है, सेकेंड में। अब इसको शो कराने का तरीका क्या होता है, हमें क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम एल को लिखते हैं, फिर हमें क्या लिखते हैं, एम को लिखते हैं, फिर टी को लिखते हैं, और इसको इस तरह के ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। याद रखें इनके बीच में कोई भी कॉमा ना लगाएं, सीधा हमें डायरेक्ट लिखना है। अब इनके ऊपर हम पावर लेते हैं अकॉर्डिंग टू जो यूनिट की पावर होती है। तो हम चलते हैं सबसे पहले बेसिक यूनिट है जो हमारी, या ऐसा बोल सकते हैं जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट है उसमें सबसे पहले आती है लेंथ। तो समझते हैं कि लेंथ का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो कैसे निकालते हैं। तो यहां जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा आपको सीखते जाना। फर्स्ट हेडिंग डाल रहा हूं मैं वन, ठीक है, हमें लिख लेना है लेंथ। इसकी हमें क्या याद रखना है, यूनिट याद रखना है। यूनिट में क्या याद रखना है, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। इतना लिखने के बाद अगर हमें कोई भी जिसकी जैसे एक यूनिट होती है ओनली मीटर, तो मीटर लिख लेना। अब हम शो कैसे कराते हैं याद रखना। तो हमें क्या कॉम्बिनेशन रखना, सबसे पहले एल लिखना है, फिर इसके बाद एम लिखना है, फिर इसके बाद टी लिखना है, कोई भी कॉमा नहीं देना, और इसको ब्रैकेट में बाद में भी बंद कर सकते हो और अभी भी बंद कर सकते हो, इस तरह बंद कर लेना। अब हमें याद रखना यहां पर क्या लिखा हुआ है, मीटर। क्या है मीटर, किसकी है, लेंथ की, मतलब फर्स्ट वाले की है। यहां पर कोई भी पावर नहीं है, जब कोई पावर ना हो तो उसकी पावर कितनी मानते हैं हम, वन मानते हैं, मतलब इसकी पावर कितनी होगी, वन होगी। अब इसकी पावर वन है तो हम क्या करेंगे, जो एल है, एल किसकी है, मीटर की, जो हमारी डायमेंशन है, तो इस पर क्या चढ़ा देंगे, वन चढ़ा देंगे, क्या पावर चढ़ाएंगे याद रखें, ठीक है। लेकिन यहां पर याद रखें ना तो यहाँ पर मास की कोई किलोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, ना टाइम की यूनिट कोई सेकंड लिखी हुई है, तो इसकी यूनिट जब कुछ नहीं होता तो उसके ऊपर हम पावर कितनी चढ़ा देते, जीरो। इस तरह हमारी लेंथ की पावर क्या हो जाएगी, लेंथ की डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा एल की पावर वन, एम की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। इस तरह दूसरा समझा रहा है तो और आपको अच्छे समझ में आएगा। दूसरा क्या है, मास। अब मास की एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, याद रखें सभी की हमें एसआई यूनिट लिखना है, किलोग्राम। अब यहां पर फिर से हमें वैसा ही लिख लेना है, एल को लिख लेना है और एम को लिख लेना है और टी को लिख लेना है, और इधर से ब्रैकेट बंद कर लेना। अब यहां पर देखें, यहां पर मीटर कहीं भी नहीं लिखा इस यूनिट के अंदर, तो मीटर नहीं लिखा तो हमारी एल की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की है, तो मास इस किलोग्राम ओनली वन लिखा हुआ है, तो इसकी पावर कितनी मान लेंगे, वन। यहाँ पर जो हम वन पावर चढ़ा रहे हैं, अगर नहीं भी चढ़ाएंगे तो भी वन ही पावर मानी जाएगी, जबकि सेकंड यहाँ पर नहीं लिखा तो सेकंड भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह हमारी मास की जो डायमेंशनल फॉर्म हो जाएगा, एल की पावर जीरो, एम की पावर वन और टी की पावर जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम की, तो टाइम की देख लेते हैं। अब टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड।
तो हम इसको ऐसे नोटेट करते हैं। तो हमें फिर से हमें क्या करना है, एसआई डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, एल और एम और टी तीनों को कैपिटल में लिखना है, याद रखें। तो देखो यहाँ एस अकेला है, मतलब हमारी मीटर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, तो एल की पावर क्या हो जाएगी, जीरो। मास की जगह, मास की यहाँ पर केजी लिखा होता तो हम एम की पावर चढ़ाते, लेकिन केजी भी नहीं लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन सेकंड लिखा, सेकंड किसके लिए लेते हैं हम, टाइम के लिए, और सेकंड ओनली एस बना हुआ तो कोई पावर कितनी मानेंगे, वन, तो हम इस पर कितना चढ़ा देंगे, वन पावर। इस तरह है हमारा जो टाइम है उसकी क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला, एल की पावर जीरो, एम की पावर जीरो, टी की पावर वन। इस तरह नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है एरिया, क्या है एरिया। अब एरिया की यूनिट हम जानते हैं क्या होता है, मीटर स्क्वायर, याद रखें क्या होती है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं, हम जिस तरह बता रहे, एल लिख लिया मैंने, एम लिख लिया और टी लिख लिया। अब यहां पर ध्यान दें, मीटर स्क्वायर मतलब एम की पावर कितनी है, टू। मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की। पावर कितनी है, टू है, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जैसी की तैसी हम टू चढ़ा देंगे। अब मीटर के साथ ना तो किलोग्राम है ना ही सेकंड है, तो एम की पावर भी क्या हो जाएगी, जीरो, और टी की पावर भी क्या हो जाएगी, जीरो। इस तरह एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल की पावर टू, एम की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम याद रखें, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यू, याद रखें मीटर क्यू। तो आसानी से आप लिख सकते हैं, अब समझ गए हो कुछ। एल क्या हो जाएगी, देखो एल किसकी है, मीटर की। पावर कितनी चढ़ी, थ्री, तो हम यहाँ का चढ़ा देंगे थ्री। एम यहाँ पर किलोग्राम लिखा नहीं दिख रहा है इस यूनिट में कहीं भी, तो जीरो हो जाएगा, और सेकंड भी लिखा नहीं दिख रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरह इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम का, एल की पावर थ्री, एम की पावर जीरो, टी की पावर जीरो। अब नेक्स्ट बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी की भी समझ लेते हैं कैसे निकालना है। अब थोड़ा समझते जाए जिससे और आसान हो जाए आपको समझना। डेंसिटी की यूनिट होती क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम जैसे लिख रहे हैं वैसा आप समझ लें, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब याद रखें, आगे मैं जैसा समझाता हूं, मास मतलब क्या होता है, किलोग्राम, वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मीटर क्यूब। अब आगे हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, केजी लिख सकते हैं, इनटू मीटर क्यूब। नीचे अगर ऊपर जाएगा तो इसमें इनवर्स हो जाएगा, तो एक ऐसा कैसा लिख सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या होगा, किलोग्राम इंटू मीटर की पावर थ्री। अब इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैं बता देता हूं। तो यहां पर जैसे हम उसमें करते थे वैसे ही यहां पर करना है, क्या करना है ये समझ लें आप। जैसे यहां पर लिखा था हमें फिर से क्या करना है, वैसा ही ब्रैकेट लगाना है, और तीनों सेम की सेम, सबसे पहले एल लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, ठीक है। इसको बंद कर लेंगे, अब देखें कैसे चढ़ाते हैं। देखो यहां पर क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम किसकी है, मास की। देखिए कोई पावर नहीं है तो कितनी पावर मानेंगे, वन, तो मास के ऊपर हम कितना चढ़ा देंगे, वन चढ़ा देंगे। दूसरा क्या है, मीटर क्यूब मतलब एल की, एल की यूनिट ऐसा ही क्या होती है, मीटर, तो माइनस थ्री चढ़ी हुई, तो इसको हम क्या चढ़ा देंगे, माइनस थ्री। सेकेंड यहां पर नहीं लिखा हुआ कहीं इस यूनिट में, तो सेकंड की जगह हम क्या चढ़ा देंगे, जीरो चढ़ा देंगे। इस तरह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, डेंसिटी का, एल की पावर माइनस थ्री, एम की पावर वन और टी की पावर जीरो। समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं, ये याद रखें माइनस थ्री कैसे हो गया, क्योंकि ये बटे में था, अगर ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगी, जो पावर चढ़ी हुआ है किसी, निगेटिव हो जाती है। तो डेंसिटी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है स्पीड, यहाँ पर स्पीड लिख देता हूं मैं। स्पीड का आप जानते होंगे फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां पर डिस्टेंस लिख देता हूं मैं सही से, डिस्टेंस अपॉन, अब इसको समझना ध्यान से, डिस्टेंस अपॉन टाइम को, डिस्टेंस मतलब होता है लेंथ, है ना, तो लेंथ भी लिख देता हूं मैं, और टाइम की यूनिट क्या होती है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं टाइम क्या है, या फिर यहां पर टाइम लिख देता हूं मैं पहले। अब लेंथ क्या होता है, मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड, मतलब लेंथ की यूनिट मीटर होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। अब इसको और भी सॉल्व करते हैं, तो मीटर अपनी जगह रहेगा, और एस को अगर हमें ऊपर ले जाना है तो एस की पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी, मतलब माइनस वन हो जाएगी। इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर जाएगा तो क्या इनवर्स हो जाएगा। अब इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला वैसे ही लिखेंगे, सबसे पहले एल लिख लेंगे, फिर एम लिख लेंगे, फिर टी लिख लेंगे, और इसकी पावर कैसे चढ़ाना है ध्यान रखें। एल यहां पर मतलब मीटर लिखा हुआ है, मीटर की पावर कितनी है, वन है, क्योंकि कोई भी नहीं है तो कितनी हो जाएगी, वन, यहाँ पर वन चढ़ा दिया। यहाँ पर कहीं भी केजी नहीं लिखा है, तो केजी नहीं लिखा तो क्या कर देंगे, इसको जीरो चढ़ा देंगे। एस की पावर माइनस वन है, क्योंकि एस किसकी होती है, सेकेंड होता है, और टाइम की यूनिट होती है, टाइम हमारा यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, माइनस वन। तो इस तरह आपने देखा ये हमारा स्पीड का क्या होगा, एल की पावर वन, एम की पावर जीरो, टी की पावर माइनस वन। तो इस तरह आपने स्पीड की भी कैसे निकालते हैं हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन की,
ACC एक्सीलरेशन की बात कर रहा है, इसको भी आप ध्यान से समझें। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सबसे पहले वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, टाइम। अब वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड है। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, याद रहा है, ये वेलोसिटी की जगह लिखा मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम। और टाइम ऑलरेडी एक नीचे ऑलरेडी था पटे में, यहां पर मैं इनटू ऑलरेडी उसको भी लिख देता हूं टाइम। अब ध्यान से समझे, डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। ठीक है, देखो ये टाइम है एक, तो यहां पर एक एस हो जाएगा, एक टाइम जी है तो एक एस हो जाएगा, दोनों एस क्या हो जाएगा हमारा। नीचे अगर डायरेक्ट लिखते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सबसे पहले बता दूं एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, मीटर इंटू एस की पावर माइनस टू। समझ में आ गया, क्योंकि एस स्क्वायर नीचे, क्योंकि दो एस टाइम की, एक एस हो रहा है एक दूसरे टाइम का एस हो रहा है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहें तो फॉर्मूला वही होता है, एल एम टी। अब इसमें हमें क्या चढ़ाना, पावर चढ़ाना। तो मीटर कितना है, वन है, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। हमारा यहां पर मास लिखा नहीं दिख रहा है इस यूनिट में कहीं भी, तो हम क्या हो जाएगा इसका, जीरो हो जाएगा। टाइम का दिख रहा है सेकेंड, तो उसकी पावर कितनी दिख रही है, माइनस टू। यहां पर इसकी पावर माइनस टू कर देंगे, तो एल की पावर वन, एम की पावर जीरो और टी की पावर माइनस टू, ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं और भी यूनिट्स हैं उनके भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स को भी अच्छे समझें, क्योंकि इसी तरह का क्या है, पूछे जाते क्वेश्चन फोर्स। सबसे पहले फोर्स का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फोर्स इक्वल टू होता मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। हम यहां पर लिख देते हैं पूरा एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसको हमें तोड़ना है, तो तोड़ना मास की जगह क्या हो जाएगा, ओनली मास लिख दें आप। एक्सीलरेशन अभी ऊपर मैंने बताया था क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको भी हमें और तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे तो आपको हो सकता समझ में ना आए। फिर से हम मास की जगह मास लिख देंगे, इनटू वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हो गया वेलोसिटी की जगह, जबकि ऑलरेडी टाइम इसमें था, उसको भी नीचे हम लिख देते हैं। अब हम डायरेक्ट यूनिट लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर। यहां पर टाइम की एस हो जाएगी और इसकी भी क्या हो जाएगी, एस मतलब सेकेंड हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिखें, मास की जगह क्या लिख दें, किलोग्राम लिख देते हैं, इनटू ये हमारा डिस्टेंस की जगह क्या लिख देते हैं, मीटर लिख देते हैं, बटे में क्या है, डबल एस, डबल एस में बोले तो एस का स्क्वायर। अब इसको अगर हम तोड़ना चाहें, यहां पर मैं नीचे लिख देता हूं, अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर इंटू एस, ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस की पावर माइनस टू, क्योंकि नीचे है ऊपर जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना बहुत आसान है। सबसे पहले एल बना दें, फिर एम बना दें, फिर टी बना दें। अब इसकी पावर कैसे चढ़ाना, देखो एम एक है मतलब एल लेंथ की क्या, मीटर, यहाँ पर एक लिखा हुआ है एक पावर चढ़ जाएगा, के जी एक लिखा हुआ है तो वो भी एक पावर चढ़ जाएगी, और हमारा एस की पावर माइनस टू है तो टाइम की जगह माइनस टू हो जाएगा। तो इस तरह ये माइनस टू है, देख लें अच्छे से। तो एल की पावर वन, एम की पावर वन और टी की पावर माइनस टू, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, फोर्स का। तो इस तरह आपको समझ में आया होगा, कितने आसानी से मैंने निकाल के दिखाया। अब बात करते हैं प्रेशर की। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूला है, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर का भी सबसे पहले फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया हमें याद है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, नहीं है याद तो आज आपको सब समझ में आने वाला है। फोर्स, फोर्स इक्वल टू, जैसा कि मैंने ऊपर ही बता चुका हूं, यहां से भी देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एम इंटू ए, और एरिया की जगह क्या लिख देता हूं, एरिया लिख देता हूं। ठीक है, एरिया की जगह हम क्या लिख देते हैं, एरिया। आप ध्यान से सुने, जैसा मैंने एक्सीलरेशन, जो मास की जगह तो मास लिखा रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन को मैंने कैसा तोड़ा था, यहां पर देख रहे होंगे आपको, यहां तोड़ के दिखाया, तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इसको ध्यान से समझें, मास की जगह मास लिख दिया, ठीक है, इनटू एक्सीलरेशन की जगह क्या लिखना हमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम।
और एरिया की जगह क्या हो जाएगा, मास के अपॉन जो नीचे एरिया ऑलरेडी था फॉर्मूले में, तो एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आया, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को तोड़ा था तो लास्ट में क्या आया था, यहाँ पर देख रहा था डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम है। तोड़ते कैसे हैं, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम ऑलरेडी एक नीचे होता है इसके। तो यहाँ पर अब इतना है, अब इसको कैसे तोड़े, तो यहाँ पर इसको याद रखना है, कैसे याद रखना है कि मास इक्वल टू क्या होता है केजी, तो किलोग्राम लिख लिया मैंने, बटे क्या है एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर स्क्वायर, ये भी लिख लिया, इनटू डिस्टेंस की क्या होती है मीटर, अपॉन टाइम में, मतलब ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। अब यहां पर 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, किलोग्राम इनटू, ये एक मास है, अगर ऊपर मास को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इनवर्स, मतलब 1 मास की पावर माइनस में चला जाएगी, और एस भी, एस के स्क्वायर भी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी -2। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम आसानी से लिख सकते हैं, एल एम और टी लिखना है, फिर इसकी पावर चलाना है, तो एल की पावर यहां पर देख रहा है कितनी है -1 है, -1 चढ़ा दी इसकी पावर, एम की पावर ओनली 1 है, एम की पावर ओनली 1 चढ़ा दिया, अच्छे से लिख सकते हैं आप, 1 चढ़ा दें यहां पर सही से, एस की पावर -2 है तो इसको -2 लिख दें। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल की पावर -1, एम की पावर 1 और टी की पावर -2। इस तरह प्रेशर की, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है, एल की पावर -1, एम की पावर 1 और टी की पावर -2। ठीक है, तो क्योंकि ये जैसे फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट है, वह है वर्क, क्या है वर्क, इसको भी आपको याद रखना है, वर्क इक्वल टू क्या होता है, ध्यान रखें क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इसको आपको याद रखना। अब इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे समझिए, आज से फोर्स इक्वल टू जस्ट मैंने ऊपर बताया हुआ है, देखो यहां पर बताया हुआ फोर्स इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं इसका क्या लिखता हूं, मास, मास क्या होता है मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब ओनली क्या होती है डिस्टेंस होती है, ये हमने कैसे लिखा, देखो मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर कैसे लिखा, ध्यान से समझ लें। ठीक है, क्योंकि यहां पर फोर्स को हमने जब तोड़ के क्या लिखा था, मास इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम, तो टाइम का स्क्वायर नीचे लिख दिया मैंने डायरेक्ट, और डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिख दिया, मास की जगह मास लिख दिया, मतलब पहले मैं बता चुका हूं उसको मैंने यहां से डायरेक्ट लिख दिया, कैसे निकालती है मैं ऊपर बता चुका हूं। अब इसको हम अगर यूनिट में तोड़ें तो क्या हो जाएगा, मास की जगह क्या लिख सकते हैं हम केजी, डिस्टेंस की जगह क्या लिखेंगे मीटर, और बटे में टाइम स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे एस स्क्वायर, और डिस्टेंस की जगह फिर से हम क्या लिख देंगे मीटर। अब इसको और तोड़ना पड़ेगा क्योंकि केजी की जगह हमें केजी लिखना पड़ेगा, और 1 मीटर दूसरे मीटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और जो नीचे एस स्क्वायर है वाई ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एस की पावर -2। अब इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं, एल सबसे पहले लिख रहा हूं मैं, तो एल की पावर कितनी है पावर 2 है, तो यहां पर हमने एल की पावर 2 चढ़ा दी, फिर एम लिख लें, एम की पावर कितनी है 1, इसकी पावर हमने 1 चढ़ा दी, टी की पावर कितनी है -2, तो हमने क्या टी की पावर -2 चढ़ा दी, तो इस तरह हमने क्या लिखा, ये जो हमारा वर्क होता है उसकी पावर, उसकी जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, एल की पावर 2, एम की पावर 1 और टी की पावर -2, तो किस तरह आपने देखा वर्क का भी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखाया। अब चलते हैं, और भी कुछ ऐसी यूनिट है इनकी डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नेक्स्ट है पावर, क्योंकि इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पावर ध्यान से समझे, पावर को भी, पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम, क्या होता है वर्क अपॉन टाइम, अब इसको ध्यान से समझे, वर्क की वैसे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर से समझे, वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटे क्या हो जाएगा ऑलरेडी टाइम है इसके अंदर। अब ध्यान से समझिए, आगे फिर से इसको तोड़ना, अगर मैं तोड़ के दिखाऊं तो क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू क्या था मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है मास इनटू एक्सीलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी है तो वो क्या हो जाएगी डिस्टेंस के, उसको क्या लिख सकते हैं हम डिस्टेंस, ठीक है अपॉन क्या है टाइम। अब फिर से इसको तोड़ना तो मास की जगह हम क्या लिख देंगे मास, या फिर एम भी लिख सकते हैं, और टाइम अपॉन इसको बाहर निकाल लेते हैं,
ठीक है। अब आगे क्या है, इस जो ए बना है इसमें एक्सेलरेशन को तोड़ना है, तो एक्सेलरेशन इसका टू मैंने तोड़ के पहले बताया था क्या होता है, डिस्टेंस, पहले ऊपर बता चुका हूं ऑलरेडी, डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्क्वायर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, क्योंकि क्या होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, इनटू ऑलरेडी हमारे इसके अंदर डिस्टेंस है उसको भी यहां पर लिखना जरूरी है। अब इसकी हमें यूनिट लिखना है, यूनिट हम यहां से लिख देते हैं फिर से, तो यूनिट लिखना मास, मास का क्या हो जाएगा यहां पर हमारा किलोग्राम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकेंड, इनटू डिस्टेंस का क्या हो जाएगा मीटर, फिर से हमारा टाइम का क्या है स्क्वायर, तो हमारा एस का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू क्या है डिस्टेंस। अब इसको और तोड़ेंगे तो किलोग्राम की जगह हमारा क्या हो जाएगा किलोग्राम हो जाएगा, और मीटर हमारा देख रहा है 1 मीटर ये 1 मीटर ये, दोनों क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसके अलावा देखो एक हमारा एस ये, दो एस ए है, तो एस की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, एस की पावर 3 ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एस की पावर -3। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आसान है, सबसे पहले हम एल लिखेंगे, एल का क्या है यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो हमारी पावर 2 चढ़ जाएगी। इसके बाद एम की बात करेंगे तो एम हमारा यहाँ पर 1 ही है, तो इसकी पावर 1 चढ़ जाएगी। अब टी की बात करें तो टी की पावर कितनी चढ़ी यहाँ पर -3 है, -3 चढ़ जाएगा, और इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इस तरह आपने देखा पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने कितने आसानी से निकाल के दिखाया। अब चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है मोमेंटम, इसकी मैं जल्दी बता देता हूं, मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, इंटू वेलोसिटी, मास की जगह हमें क्या लिखना मास ही लिख देना है, और वेलोसिटी को हम तोड़ सकते हैं क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां इसको बहुत फास्ट बना सकते हैं, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं किलोग्राम लिख सकते हैं, डिस्टेंस की जगह मीटर लिख सकते हैं, टाइम की जगह एस लिख सकते हैं सेकेंड, मतलब किलोग्राम की जगह किलोग्राम लिख दें और मीटर की जगह मीटर लिख दें, एस नीचे है तो ऊपर जाएगी पावर चढ़ जाएगी कितने की -1। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दें, सबसे पहले ब्रैकेट स्टार्ट करें, एल की पावर यहां पर दिख रहा है 1 है, 1 लिख दें, और मास की पावर भी 1 है, देखो यहाँ पर केजी लिखा हुआ है तो इसकी पावर भी 1 लिख दें, और टी की पावर लेकिन -1 है जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी -1, और इसको बंद कर दें, तो मोमेंटम का भी आसानी से निकाल के बता दिया। अब नेक्स्ट बताता हूं मैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी तो कई बार पूछा जा चुका है, एंगुलर वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको निकालना बहुत आसान है, जैसा मैं बता रहा हूं सुने ध्यान से, क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को सो हम किससे कराते हैं थीटा से, और ये क्या हो जाएगा एस हो जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा थीटा इंटू एस की पावर -1। अब इसका डायमेंशनल आसानी से देखें, एल है, एल यहां पर कहीं दिख नहीं रही है, मतलब मीटर कहीं दिख नहीं रहा, तो 0 हो जाएगा। इसके पास एम, एम की बात करें तो क्या होता है किलोग्राम में, इस यूनिट में किलोग्राम कहीं नहीं दिख रही, वो भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। टाइम दिख रहा है, टाइम की पावर कितना -1 दिख रही, तो यहाँ पर कितना चढ़ा देंगे -1, और इसको बंद कर देंगे, मतलब एंगुलर वेलोसिटी की जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, क्या होता है एल की पावर 0, एम की पावर 0, टी की पावर -1, याद रखें ठीक है, ये क्योंकि ये कई बार पूछी जा चुकी है। अब चलते हैं नेक्स्ट डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन का मैं डायरेक्ट बता रहा हूं क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, एल की पावर 0 और एम की पावर 1 और टी की पावर -2, याद रखें मैं बहुत सारी डायमेंशन निकाल चुके हैं, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी, क्या है एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल की पावर 2 टी की पावर -2। इस तरह इंपल्स की भी देख सकते हैं हम, इंपल्स की भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इंपल्स की भी मैं बता देता हूं, इंपल्स मतलब एस लिखा हुआ है यहां पर, इंपल्स की होती है एम एल की पावर मतलब एम की पावर 1 एल की पावर 1 और टी की पावर -1 हो जाएगा। याद रखें जैसे मैंने बताया कि 1 1 चढ़ा हुआ, वहां जरूर नहीं है कि 1 चढ़ा मिला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या ऑप्शन में,
तो ये कुछ थ्री डायमेंशनल फॉर्मूला, लेकिन आपको ये सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं। यदि हमारा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि इस तरह के लेक्चर हम हमेशा डालते रहते हैं, उससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।